1767th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, शो का नाम राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक बारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। ऑल्सो बिग थैंक यू टू स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स। हमारी आज की जो मेहमान है शी इज अ प्रिंसिपल एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद मेगे ग्रुप ऑफ स्कूल्स फॉर पास्ट 29 इयर्स। शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ स्कॉलर्स एंड हर जर्नी इज समथिंग एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू नो। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे डॉक्टर शिल्पा नेवस्कर मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका राज की बात में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये मैम कि जब हम ये 29 सालों की बात करते हैं तो मैम ये 29 साल बहुत कुछ कहते हैं। एक आपका कमिटमेंट, एक दूसरा मैनेजमेंट का कमिटमेंट आपके प्रति। मैम आप इसको किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल सही कहा राज जी आपने कि ये जो मेरा 29 साल का सफर रहा है तो इस सफर में हम दोनों की तरफ से कमिटमेंट बराबर की रही है, हमारी तरफ से भी और हमारे बहुत अच्छे मैनेजमेंट की तरफ से भी। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू वर्क विथ लॉट्स ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम लास्ट 29 इयर्स। आई ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन इन 1994 एंड स्टिल द जर्नी इज कंटिन्यू। ड्यूरिंग दिस 29 इयर्स नियर अबाउट 26 बैचेस I have just, that means that they have been passed out under the able guidance of the entire team of School of Scholars at Relyal. I am talking about the standard 10th batches, then the 18 batches of standard 12th, and out of this 26 batches, the 20 batches they were from state board and 6 batches they were from CBSC for standard 10th, and for standard 12th, 14 batches were there from state board and 4 batches were there from CBSC. And this year again we are expecting more bright result in comparison to last year. Ma'am, ek principal ke upar mein jo darumadar hota hai wo sirf school ke जनरल रनिंग को लेकर ही नहीं होता, लेकिन जब साल के अंत में स्कूल का रिजल्ट आता है तो उसका भी दारोमदार प्रिंसिपल पे होता है। तो मैम एक छोटा सा जोक है मैम, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैम एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेता इंजीनियरिंग कॉलेज का, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनके सभी टीचर्स और प्रोफेसर्स को पता चला, सीनियर स्टाफ को पता चला कि उन्हें मिलता है एक ट्रिप टू दुबई। तो मैम पूरा सीनियर स्टाफ और प्रिंसिपल ये सब जाकर बैठे मैम प्लेन में, और पायलट ने ये बोला कि ये जो प्लेन है, आपको खुशी होगी कि ये प्लेन की पूरी जो पूरा जो प्लेन बनाया गया है ये आपके स्टूडेंट्स ने ही मिलकर बनाया। तो मैम सब टीचर्स उतरने लग गए, और वो टीचर्स जब उतरने लग गए तो जो एयर पायलट था उसने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, हमको मालूम है कैसे बनाया होगा। तो मैम सिर्फ एकमात्र से प्रिंसिपल बैठे रहे उस चेयर पर प्लेन के, तो पायलट ने पूछा सब टीचर्स उतर गए आप क्यों नहीं उतरे? तो वो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि मेरे जो टीचर्स है उनको बहुत भरोसा है अपने स्टूडेंट पे कि उन्होंने किस किस्म का बनाया होगा, लेकिन बोले मुझे भी भरोसा है अपने टीचर्स पे क्योंकि मुझे पता है ये प्लेन शुरू भी नहीं होगा। है ना? तो मैम जो दारोमदार है वो प्रिंसिपल पे रहता है ना? तो मैम आपकी जो भूमिका है ये बड़ी मतलब एक पतली रस्सी पे चलने वाली भूमिका है, कैसे निभाती है इसको? सर देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हाँ मैं मानती हूँ कि प्रिंसिपल के ऊपर पूरी दारोमदार होती है बिकॉज प्रिंसिपल इज द कैप्टन ऑफ द शिप जी, राइट? एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू सर दैट इट्स अ जॉब विथ द क्राउन हैविंग लॉट मेनी थ्रोन, ओके, क्राउन विथ लॉट मेनी स्पाइक्स। नाउ here I would like to tell you Mr. Raj that if the principal is in a position to develop a confidence among the entire staff members that they can do their level best and
प्रिंसिपल इज इन अ पोजिशन टू डेवलप अ टीम स्पिरिट देन इन दैट केस आई थिंक द एंटायर स्कूल वर्किंग बिकम्स वेरी स्मूथ. प्रिंसिपल नीड्स टू बी अ रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फर्स्ट प्रिंसिपल नीड्स टू बी पंक्चुअल देन ओनली यू कैन आस्क स्टाफ दैट दे शुड बी प्रेजेंट ऑन टाइम. फर्स्ट प्रिंसिपल नीड्स टू बी वेरी अटेंटिव एंड एक्टिव देन ओनली दे कैन आस्क देयर मेनी मेंबर्स फॉर द सेम वन. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल नीड्स टू बी अ रोल मॉडल एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टाफ मेंबर्स एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर द ईयर बाय ईयर्स द entire staff members with lots of bonding and having a wavelength with principal get converted into a good team. So here I would like to tell you that we are having the city topper this time from School of Scholars Akrelia, Om Prakash Barik in standard 12. Wow. And from last so many years, as I told you that how many batches our school has given to this society, 100% result is our trademark and we are having legacy in education. But ma'am, principal bhi to wife hai, principal bhi to mummy hai, principal bhi grahani hai, principal ko bhi bahut kuch karna hota hai ghar pe, right. Har cheez karne ke liye log nahi rehte hain, right. Hai na ma'am, principal bhi ek aise parivar mein jahan par kai baar kai sare aise परिवार के सदस्य होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई शादी होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है, सुबह सुबह प्रिंसिपल तैयार हो गए स्कूल के लिए निकल रही हैं और प्रिंसिपल के सबसे करीबी मेहमान आ गए घर पे, ये सब चीजें तो होती होंगी मैम. जी हाँ, ये सब चीजें हुई हैं. या बिल्कुल बिल्कुल हुई है सर. जी बिल्कुल. बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी सर दैट जैसा कि होता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, इन द सेम वे बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल प्रिंसिपल देयर इज अ एंटायर फैमिली ऑफ द प्रिंसिपल. द फैमिली इज ऑफ टू टाइप, वन इज हर पर्सनल फैमिली एंड अनदर इज हर स्कूल फैमिली. सो बोथ फैमिलीज दे आर सपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अ प्रिंसिपल कैन बिकम सक्सेसफुल. सो वट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट that there is a constant support from the family, and after that only you can deliver your duty in a desired way, the way in which you want. अब मैम टीचर्स जब घर जाती हैं छुट्टी करके, आप भी एक टीचर रह चुकी हैं तो आप ये जानती हैं, हाँ कि जब टीचर्स घर जाती हैं तो फिर उनको जो स्ट्रेस वैल्यू है वो थोड़ा सा कम रहता है comparatively right. to a role of a principal, because principal takes a baggage of stress right not just by coming to the school but also when she goes back home. Yeah. How do you manage this ma'am? ये principal जो bulge है, ये जो stress है, इसको कैसे manage करती है? बिल्कुल मैम, मैं आपकी दिल की बातें बोल रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने. जी जी yes definitely. सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर. बट सी वन थिंग इज देयर सर दैट प्रिंसिपल इज अ फेस ऑफ द स्कूल सर. शी इज लीडिंग स्कूल राइट. फ्रॉम प्रिंसिपल फेस वी कैन इजीली जज दैट व्हाट द स्कूल इज डूइंग राइट. सो इन दैट केस द रोल ऑफ प्रिंसिपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड द फर्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज यूज टू डू इन माई लाइफ इज दिस सर दैट आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन. आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिविटी इवन इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज एवरी टाइम द गुडी गुडी एटमोस्फियर कैनॉट बी देयर. इट्स अ लाइफ. ओके सो अप्स एंड डाउन्स आर देयर. सो राज सर मैं यहां पर आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूं and because of this positivity only I'm able to handle tremendous stress. So whatever the tough situation is there, I'm not going to lose my temper at any cost, sir. This I have decided. Because see, if I'll become impatient, if I'll lose my temper, then in that case definitely it will affect to my team. If I become panic, it will affect to my team. And due to that only every time I have to keep myself very cool. I have to keep myself very positive. Sometimes the things are in favor of us. Sometimes they are not in favor. And even I think this is the
mantra of the life also, that if you are positive, then in that case, though the situation is negative today, but it is going to get, that is, too negative becomes positive, so like that it is going to get converted into the positive things. But ma'am, एक कहावत है कि कहावत नहीं है मैम लेकिन देखा गया है इन द पास्ट कि एक पुरुष तो नहीं लेकिन एक महिला की दुश्मन होती है, जैसे पहले कहते थे मैम. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अभी भी ये सत्य है या फिर अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं? नहीं सर, यहाँ पर मैं चंद्रयान 3 का रेफरेंस देना चाहूंगी, इसरो का. आपको पता है कि वहां पर जो लीडिंग साइंटिस्ट थे, दे ऑल वेयर लेडीज, राइट, एंड दे वर्क इन सिंक. So I think this is the biggest example. Yeah. Right? It's a set to men. Yeah. ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें चांद पे बचा देंगे. Yeah. So in that case, sir, actually, it all depend from around the person's nature. Mm-hmm. But nowadays, I think this mantra or this formula is there, that if we stay together, if we work together, then we can achieve more. And we can achieve together. So nowadays, now I think एक महिला ही महिला की दुश्मन नहीं होती है, बल्कि एक महिला दूसरे महिले की सखी बन जाती है, ये मैं कहना चाहूंगी. ठीक है, मुझे लगा एक महिला दूसरे महिले की दुश्मन नहीं होती, कई सारी महिला एक महिला की दुश्मन हो जाती है. नो, ऐसा नहीं है सर. मैम, ऐसे वे स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के साथ आपका जो एसोसिएशन रहा है वो बड़ा लंबा एसोसिएशन है. मैम, पहले जब विमला ताई कॉन्वेंट था, तब से लेके अब तक ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है विथ टाइम एंड विथ रिसर्च विथ दिस इनिशिएटिव, मैम कैसे देखती हैं इसको? सर देखिए, मैं इसे अगर कम शब्द में व्यक्त करना चाहूं तो मुझे आज भी याद है कि जब 1994 में मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त सर हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड इस्तेमाल करते थे, राइट? जी. एंड साथ में एक हाथ दो टीचिंग एड्स होते थे. फिर ग्रेजुअली ओएचपी आया सर, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर. जी. उस वक्त हम ट्रांसपेरेंसीज बनाने लगे. जी. और उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ अलग हम कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये फील होता था. जी. देन ग्रेजुअली कंप्यूटर गेम्स. जी. Then earlier we were having a lot of threat for a computer, honestly telling you. Mm-hmm. But then our ICT department, they took a lead. Mm-hmm. Few senior teachers are still there with us. Mm-hmm. And then they have taken initiative and then they make us tech savvy. Right. Okay. Then gradually we started our journey and we learned a lot during COVID periods. Yeah. During COVID period, we became completely tech savvy. Mm-hmm. Lot many online tools we were using to teach our children in an effective way. Mm-hmm. Because we were not sending them videos, sir. Videos we were sending them pre-recorded for their reference, but we were conducting live classes. Okay. And because of this live classes, to make class more interesting, because eye-to-eye contact was not there, sir. So at that time we were using lot many online tools, and with the help of that we really became tech savvy. And still the journey is on, sir. That means we are trying to learn many new things whichever are coming in this digital world. मैम, ये रिसोर्स सेंटर जो है आपका, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी कोशिश है टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैम, आप जब आपने ज्वाइन किया था 29 साल पहले, तब इस किस्म के रिसोर्सेज नहीं थे, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इस किस्म के माध्यम नहीं थे. अब मैम, इससे क्या मानती है, जो नए टीचर्स हैं उन्हें क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? मैम, सर देखिए, कैसा था कि रिसोर्स सेंटर उस वक्त नहीं था, इस वक्त इतने ब्रांचेस भी नहीं थे, हमारा एक ही ब्रांच था. तो उस वक्त सारा जो एक टीचिंग लर्निंग रिलेटेड मटेरियल जो है, या टीएलएम हम जिसे कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सारा टीचर्स ही बनाते थे अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ देयर सीनियर टीचर्स. ओके. नाउ रिसोर्स सेंटर इज अ बैकबोन ऑफ आवर एंटायर मेके ग्रुप ऑफ स्कूल्स, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू all the teachers of MGS,
and that also along with trainings. That means only providing material, that means you can also get it from Google or somewhere else. Absolutely. But it's not like that. Along with teaching learning material, they are conducting lot many trainings of the teachers, sir. Mm-hmm. And through this training, they try to improve the teaching learning process of a teacher, because teaching learning is the most important aspect as far as the school is concerned. Mm-hmm. And teachers, they are getting lot of help from the resource center. तो मैम ये जो बेनिफिट्स हैं ये तो डेफिनेटली टीचर्स को तो बहुत अच्छे लगेंगे. मैम स्कूल को भी इसका फायदा ये होगा कि टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो एक ही दिशा में जाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सारे टीचर्स एक ही दिशा में जाएंगे या टीचर्स वही करते हैं जो रिसोर्स सेंटर उन्हें करने के लिए कहता है. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज रिसोर्स सेंटर इज गिविंग डायरेक्शन. Teachers, they are putting their own input. Right. And then the final, what we have to achieve, that we have to reach to the target. What is our target? To give best result to the society. And all of them, they are working in the direction which has been shown by the resource center along with their inputs. Mm-hmm. And then they are reaching to the goal or they are achieving to their target. Mm-hmm. So resource center is just like a lighthouse, sir, that they are showing direction to the teachers and then teachers are moving in that particular way. Ma'am, life mein kitna badlav aaya, matlab 29 years back, Shilpa ma'am kaisi thi, aaj Shilpa ma'am jab khud ko aaine mein dekhti hai, to kya badal gaya hai? Haan sir, kaafi badlav aaya, kyunki उस वक्त जो था वो थॉट प्रोसेस एक टीचर को लेकर था. फिर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ एक सीनियर टीचर के रूप में. फिर नजरिया बदल गया जूनियर टीचर की तरफ देखने का. उसके बाद थॉट प्रोसेस चेंज हुआ व्हेन आई वाज द कोऑर्डिनेटर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर नियर अबाउट 8 to 9 years. उस वक्त मैक्सिमम 11th and 12th graders के साथ में डील करना पड़ता था, तो उस वक्त थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ. एंड देन अगेन इट चेंजेस व्हेन आई बिकेम अ प्रिंसिपल. नाउ आई थिंक आई एम हैविंग अ मोर रैशनलाइज्ड थिंकिंग इन कंपैरिजन टू माय अर्लियर रोल्स, एंड आई हैव टू बी लाइक दैट सर, देन ओनली आई कैन डू माय लेवल बेस्ट विद माय टीम. मैम काम में बिल्कुल आप बिजी रहती हैं, स्कूल ही आपका जीवन है, स्कूल के इर्द गिर्द ही आपका जीवन चलता रहता है. मैम कितना वक्त खुद को दे पाती हैं, वो मी टाइम क्या है आपके लिए और वो मी टाइम में क्या करती हैं आप? जी मी टाइम तो बहुत कम मिलता है सर जी, बट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स सर. मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली I am giving more stress on the historical books. So, as I am fond of books, I am having a library. मेरी लाइब्रेरी पिछले तकरीबन 30 साल से है, एक ही जगह पर है वो. अभी वो लाइब्रेरियन को भी पता चल चुका है कि किस तरह के मतलब बुक्स मुझे अच्छे लगते हैं. ऑटोबायोग्राफीज में पढ़ती हूँ और बायोग्राफीज मुझे अच्छे लगते हैं, उसके बाद में हिस्टोरिकल बुक्स अच्छे लगते हैं. तो एक मतलब एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आई लुक टूवर्ड्स देम. या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे इंसिडेंसेस दिए होते हैं बुक्स में कि जो हमारे करंट सिचुएशन में मैच करते हैं एंड समवेयर द सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर. एंड इन दैट केस ये जो मेरा रीडिंग है ये मुझे डे टू डे प्रॉब्लम्स जो आती है व्हाइल रनिंग स्कूल, इट हेल्प्स मी टू सॉल्व द इश्यूज इन अ क्विक वे एंड विद पॉजिटिव रिजल्ट, बिकॉज सॉल्विंग ऑफ इशू कैन बी बाई बोथ द वे. बट आई ऑलवेज बिलीव इन लाइक दिस दैट वी हैव टू सॉल्व द इश्यूज इन अ पॉजिटिव वे. मैम क्या क्या चीजें हैं बकेट लिस्ट में? अब 30 साल हो गए मेघे ग्रुप के साथ, क्या क्या करना चाहती हैं जो छूट गया? कुछ ऐसा है जो छूटा है? नहीं सर, बस छूटा प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली. अच्छा, नॉट प्रोफेशनली, पर्सनली. जी हाँ, अगर पर्सनली कहना चाहेंगे तो सर वक्त बहुत कम मिलता है, कहीं आउट ऑफ इंडिया जाने का टाइम नहीं मिला. तो अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो आई वांट टू गो ऑन वर्ल्ड टूर, तो वो जो है वो मेरी एक
विषय, दिस इज इन माय बकेट लिस्ट, बट डेफिनेटली नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द वर्क. मतलब स्कूल इज माय फर्स्ट लव सर. आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर, बेसिकली आई एम अ टीचर सर, एंड देन आई बिकेम अ प्रिंसिपल. सो इट्स माय जर्नी ऑफ पास्ट 29 इयर्स, एंड देन आई वांट दैट इन द सेम वे आई शुड कंटिन्यू टिल माय रिटायरमेंट. Okay, that is still my superannuation. Mm-hmm. And after that also, I want to serve to the society again, having in the teaching or education field only. So later on, I may work as a content developer. Mm-hmm. This is again my, you can also call it as a bucket list. Okay. Mm-hmm. So another item in my bucket list, that to work as a content developer. So after principalship, I have decided to work there. So I think at present these two are the one. One is the world tour, and another is to work as a content manager or content developer, specially to develop a good content. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एक content developer और ये जो आप बनना चाहती हैं, मैम इसको तो अभी बहुत वक्त है, बिल्कुल है ना मैम. लेकिन मैम आपकी वर्ल्ड टूर मैं दे सकता हूँ, आपको मिलता है वर्ल्ड टूर, है ना, आपके खुद के खर्चे पे. अच्छा सर, खर्चे पे मिलेगा तो चलेगा, ओनली देयर इज मिल जाएगा वक्त मिल जाए. मैम ये जो समय है ना मैम, ये समय वो कहते हैं कि ये बहुत सालों पहले, मैम कई ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में जिन्होंने ये बात अपने दिल में कही होगी जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ. उन्होंने कहा होगा कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा, दुनिया का वक्त आया था, डॉक्टर शिल्पा का दौर आएगा. तो मैम ये आपका दौर है, इसे आप एंजॉय कीजिए. और मैम कहते हैं ना, बाय द एंड ऑफ द डे जो हमारी कोशिशें होती हैं उसको ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं ग्रेटिफाई करता है. तो मैम आपकी कोशिशें ग्रेटिफाई हुई हैं और आने वाले वक्त में, क्योंकि मैम उसके लिए आप इतनी समर्पित रही हैं, आपकी जर्नी को कोई अगर देखे समझे तो मैम वो सल्यूट करने के अलावा और क्या करेगा, किस तरह से आपको धन्यवाद करेगा. आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें. और आपको मैम अगर ये इंटरव्यू श्री सागर मेघे और समीर मेघे सुन रहे हैं या देखेंगे कभी, तो आई एम श्योर हो सकता है वर्ल्ड टूर दे भी दे आपको. लेकिन आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और हमें इंस्पायर करती रहें. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. कुछ ऐसी जर्नीज होती हैं जिन्हें वाकई में आप जब जानते हैं, थोड़ा सा उनको इनकाउंटर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाकई में कितना ज्यादा समर्पण का भाव रहा है इस पूरी की पूरी जर्नी में. द्रोणाचार्य, यू नो ये नाम द्रोणाचार्य को अगर आप दो हिस्सों में बांटे हैं तो द्रोण मतलब एक कासा, एक कटोरा, और आचार्य मतलब वो व्यक्ति विशेष जिसे पता है कि उस द्रोण में कौन सी ऐसे फूल तोड़ के डालें, कौन सी ऐसी बातें रखें जो अपने आप में उस द्रोण का दर्ज आसमान तक छूते. यह हकीकत है कि महिलाओं ने मिलकर भारत के एक शटल को चांद पर पहुंचा दिया, भारत के झंडे को आज चांद पर लहराने का मौका दिया. लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि सबसे ज्यादा सम्मान्य बात यह है जो आज तिरंगा भी इन्हें देखकर सल्यूट करता होगा, वो है महिलाओं का योगदान. वो भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने ना ही सिर्फ खुद को बदला लेकिन भारतीय समाज को, संस्कृति को उस तर्ज पर ले जाने की कोशिश की जो तारीफ काबिल है. डॉक्टर शिल्पा निवसकर मैम ये एक नाम नहीं, ये एक किताब है, एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है जो विकिपीडिया पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है जो आपको समर्पण का भाव जरूर सिखाता है. और वो भाव के अंदर में कड़ी मेहनत है, डेडिकेशन है और फोकस है. काश आपको ये मौका मिले कि आप ये किताब पढ़ें, लेकिन आप उनका इंटरव्यू जरूर शेयर करें जो अपने आप में एक थैंक्स गिविंग होगा एक टीचर के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए. जिंदा रहें. जय हिंद.